हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कर रहे हैं और इसमें लेक्चर नंबर 14 है। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था और सब ग्रुप्स में पढ़ा था मैं प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स पढ़ा था और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट जो होता है ना वो सब ग्रुप हो ऐसा जरूरी नहीं है। और उसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया था, डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 D8 का हमने एग्जाम्पल दिया था। उसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ कि दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट सब ग्रुप कब होगा, उसका क्या क्राइटेरिया है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला थ्योरम है इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, देन एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। ठीक है, अगर एच के इज इक्वल टू के एच होगा तो एच के सब ग्रुप होगा, और अगर एच के को सब ग्रुप होना है तो एच के इज इक्वल टू के एच होगा। इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए प्रूफ में मैंने लिखा है कि लेट एच के बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। हम पहले सपोज कर लेते हैं कि एच के सब ग्रुप है, तो हम दिखाएंगे क्या, एच के इज इक्वल टू के एच। लेट एच के बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, टू प्रूव द रिजल्ट वी शो दैट। अब देखिए, दो सेट को बराबर कब कैसे दिखाया जाता है, अगर हम दिखा दें ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो हम कहेंगे दोनों सेट क्या है, इक्वल है। तो हमें दिखाना है कि अगर तो हम फॉर प्रूविंग टू प्रूव द रिजल्ट वी शो दैट एच के इज सबसेट ऑफ के एच एंड के एच इज द सबसेट ऑफ एच के। सबसेट दिखाने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और दिखा देंगे वो एलिमेंट इसमें भी बिलोंग करता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। इसी तरीके से एक एलिमेंट यहाँ पे लेंगे और देखें दिखाएंगे कि वो एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको प्रूव करता हूँ। मैंने कहा लेट वाई बिलोंग टू एच के, वाई एच के का कोई एलिमेंट है, तो अगर एच के का एलिमेंट है तो इसका मतलब उसका इनवर्स भी एच के बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कहा है एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप है मतलब ग्रुप है, तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो वाई अगर एच के में है तो इसका मतलब वाई इनवर्स भी एच के में होगा। ठीक है, तो वाई इनवर्स अगर एच के में है किस टाइप का होगा, एच वन के वन टाइप का होगा। ये तो डेफिनेशन ही है कि एच के में कोई भी एलिमेंट किस टाइप का होगा, उसका पहला एलिमेंट एच से आएगा, उसका दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, के से आएगा। तो वाई इनवर्स किस टाइप का होगा, एच वन के वन, और सम एच वन बिलोंग्स टू एच एंड के वन बिलोंग्स टू के। बट अब देखिए y इनवर्स का इनवर्स कितना आता है, y हमको मालूम है किसी भी एलिमेंट का दो बार इनवर्स ले तो वही एलिमेंट वापस आ जाता है इस ग्रुप में, अगर हम बात करें तो। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप में बिलोंग करता है। तो y इज इक्वल टू y इनवर्स का इनवर्स, और y इनवर्स कितना आप इन्होंने लिखा था, y इनवर्स हमने लिखा था h1k1, इसका मतलब h1k1 का इनवर्स। और हम लोगों ने ग्रुप में ये पढ़ा है कि a इंटू b का इनवर्स लें तो क्या आता है, b इनवर्स इंटू a इनवर्स, मतलब ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, कितना हो जाएगा, k1 इनवर्स इंटू व्हाट, h1 इनवर्स। अब देखिए k1 इनवर्स अगर k1 कहां बिलोंग करता है, k में बिलोंग करता है, तो k1 इनवर्स भी कहां बिलोंग करेगा, k में बिलोंग करेगा। अगर h1 इनवर्स कहां बिलोंग करेगा, h बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये जो मेंबर है वो कहां बिलोंग करेगा, kh में बिलोंग करेगा। तो देखिए मैंने क्या कहा, मैंने y लिया था hk में और वही y किस में बिलोंग कर गया, kh में बिलोंग कर गया, इसका मतलब hk इज द सबसेट ऑफ kh, सो hk इज द सबसेट ऑफ kh। स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में अब मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट मैं यहां लेता हूं, लेट x बिलोंग्स टू kh। ठीक है, देन x इज इक्वल टू kh है ना, इसका एलिमेंट जो होगा किस टाइप का होगा, उसका पहला मेंबर k से आएगा, दूसरा मेंबर कहां से आएगा, h आएगा, फॉर सम h बिलोंग्स टू h एंड फॉर सम k बिलोंग्स टू k। ठीक है, नाउ अब देखिए इसका इनवर्स मैं लेता हूं, x का इनवर्स इज इक्वल टू kh का इनवर्स, एंड kh का इनवर्स मींस व्हाट, h का इनवर्स इनटू k का इनवर्स, एंड व्हिच बिलोंग्स टू hk, व्हिच बिलोंग्स टू hk। क्यों भी ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि हमारा जो h है वो कहां बिलोंग करता है, h में, और h क्या है, सब ग्रुप है, तो ये h इनवर्स भी h में बिलोंग करेगा, और के इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, के में, ये कहां बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग, एच के में बिलोंग करेगा। आइए इसका एक बार फिर से इनवर्स लेते हैं, एक्स इनवर्स का इनवर्स, तो देखिए अगर एक्स इनवर्स बिलोंग करता है किस में, एच के बिलोंग करता है, और एच के क्या है, सब ग्रुप है, शुरू में ही लेके चले हैं, लेट एच के में सब ग्रुप, सब ग्रुप का मतलब ये ग्रुप है, तो ग्रुप है, और इसको मान लीजिए मैं एलिमेंट मान लूं, तो ये एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग करता है ग्रुप में, उसका इनवर्स भी उसमें बिलोंग करेगा, देयरफॉर एक्स इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू एच के। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, अब देखिए एक्स इनवर्स का इनवर्स मतलब एक्स, और x कहां बिलोंग करेगा, तब x बिलोंग करेगा hk में। अभी देखिए मैंने x कहां लिया था, kh में लिया था, तो x कहां पे बिलोंग कर गया, hk में बिलोंग कर गया, इसका मतलब kh इज द सबसेट ऑफ hk। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं, यहां से फ्रॉम 1 एंड 2, ये इसको मैं मान लिया मैंने 1 कह दूं और इसको मैं 2 कह दूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट hk इज इक्वल टू व्हाट, kh, hk इज इक्वल टू kh। अब देखिए दूसरे स्टेप में हम क्या प्रूव करेंगे, दूसरे स्टेप, पहले स्टेप में तो हमने ये प्रूव किया कि अगर एच के सब ग्रुप है तो एच के को सब ग्रुप होने के लिए एच के इज इक्वल टू के एच होना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में हम अब ये प्रूव करेंगे, अगर एच के इज इक्वल टू के एच है और एच और के सब ग्रुप्स हैं, तो हम दिखाएंगे कि एच के भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है,
तो आइए फ्रेंड्स इसका आप कन्वर्स प्रूव करते हैं। कन्वर्स में देखिए हमें क्या दिखाना है कि हम सपोज कर देते हैं कि एच के इज इक्वल टू के एच, एच और के सब ग्रुप्स हैं ग्रुप जी के, और गिवन कंडीशन एच के इज इक्वल टू के एच, हमें प्रूव करना कि एच के भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का। अब देखिए याद करिए कि अगर एच और के सब ग्रुप्स हैं एक ग्रुप जी के, तो या ऐसे में समझिए तो मान लीजिए कि कोई एच कोई जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है, एच नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, जी का, और एच को मुझे जो है इसका सब ग्रुप दिखाना है। तो हम लोग दिखाए थे, हम लोग क्या दिखाए थे इसमें कि अगर दो एलिमेंट इसके ले लें एक्स और वाई बिलोंग्स टू एच, तो एक्स वाई इनवर्स भी एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच अगर हम दिखा दें तो हम कहेंगे एच इसका क्या सब ग्रुप है। तो यही क्राइटेरिया हम दिखाएंगे कि एच के को अगर मुझे दिखाना है कि वो जी का सब ग्रुप है, तो हम ये दिखाएंगे सबसे पहले कि एच के नॉन एम्प्टी है, और दूसरी बात इसमें से दो एलिमेंट लेंगे एक्स और वाई, तो उसका इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, उसमें बिलोंग करेगा, अगर बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे एच के जी का क्या है सब ग्रुप है। आइए मैं स्टार्ट करता हूं। कन्वर्सली लेट एच के इज इक्वल टू के एच। अब देखिए एच और के दोनों सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो आएगा ही, और आपको मालूम है सब ग्रुप और ग्रुप का आइडेंटिटी एक ही होती है। देखिए सिंस ई इज इक्वल टू ई इंटू ई है ना, ई इंटू ई बिलोंग्स टू व्हाट एच के, एच में भी आइडेंटिटी होगा के में भी आइडेंटिटी होगा, और किस टाइप का होगा ई इंटू ई है ना, तो इसका मतलब ई इंटू एक एलिमेंट तो जरूरी है कम से कम एच के में, कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर है, कौन से टाइप का है ई टाइप का है, देयरफॉर एच के इज नॉन एम्प्टी। ठीक है ना, अब मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ एच के में, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एच के, और बाद में दिखाएंगे कि एक्स इंटू वाई इनवर्स भी एच के में बिलोंग करेगा। अब देखिए एक्स वाई अगर एच के में है तो एक्स किस टाइप का होगा, एच वन के वन टाइप का होगा, मतलब फर्स्ट मेंबर कहाँ से आएगा एच से, और दूसरा मेंबर इसका कहाँ से आएगा के टाइप का, और दूसरा वाई किस टाइप का होगा एच टू के टू, और सम एच वन एच टू बिलोंग्स टू एच एंड के वन के टू बिलोंग्स टू के। ठीक है ना, एक्स वाई इनवर्स हम निकालते हैं, ठीक है एक्स इंटू वाई इनवर्स। ठीक है तो देखिए इनवर्स यहाँ पे लगेगा, ये सिर्फ वाई का इनवर्स होगा, एक्स इंटू वाई इनवर्स हम निकालते हैं। ठीक है देखिए एक्स कितना हमारा एच वन के वन, और हमारा जो हमारा वाई इनवर्स है मतलब एच टू के टू का क्या हो गया इनवर्स हो गया। अब देखिए आपने ग्रुप में पढ़ा है कि अगर ए इंटू बी का इनवर्स लें तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, मतलब बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ये एच वन के वन, और यहाँ क्या आ जाएगा के टू का इनवर्स, और फिर क्या आ जाएगा एच टू का इनवर्स। ठीक है एंड दिस इज इक्वल टू एच वन को मैंने बाहर रखा, और के वन के टू इनवर्स और एच टू इनवर्स को मैंने एक साथ लिखा। अब जरा देखिए ध्यान से, के वन कहाँ से बिलोंग करता है कैपिटल के से बिलोंग करता है, के टू कहाँ से बिलोंग करता है कैपिटल के से बिलोंग करता है, कैपिटल के क्या है सब ग्रुप है, सब ग्रुप का है का मतलब ग्रुप है, इसका मतलब के टू इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करता है के में बिलोंग करता है, और अगर के वन के टू इनवर्स दोनों के में बिलोंग करते हैं तो उनका कंपोजिशन भी कहाँ बिलोंग करेगा के में बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ना वो कहाँ का है के का है ना, और ये एलिमेंट कहाँ का है एच का है। तो देखिए इस बात को मैंने ऐसे लिखा कि के वन के टू इनवर्स एच टू ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये के एच में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये कहाँ बिलोंग कर रहा है के में, और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है एच में, इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग कर रहा है के एच में बिलोंग करेगा, और गिवन क्या के एच इज इक्वल टू व्हाट एच के, इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग करेगा एच के में बिलोंग करेगा। ठीक है ये एच के में बिलोंग करेगा बाय द गिवन कंडीशन। अब देखिए देयरफॉर अब हम पूरे की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं एक्स वाई इनवर्स की बात करते हैं थोड़ा। ठीक है तो एच वन के वन के टू इनवर्स एच टू इनवर्स इज इक्वल टू एच वन, और चूंकि देखिए ये कहां पे आपने कहा ये एच के बिलोंग करता है, किस टाइप का होगा एच डैश के डैश टाइप का होगा। ठीक है ना एच वन इंटू एच डैश के डैश एंड विच इज इक्वल टू वॉट, हमने इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, तो एच वन इंटू वॉट एच डैश वही साथ कर दिया इंटू के डैश। अब देखिए एच वन भी कहां है कैपिटल एच का एलिमेंट है, और एच डैश भी कैपिटल एच का एलिमेंट है, और एच क्या है सब ग्रुप है, इसका मतलब ये कंपोजिशन भी कहां बिलोंग करेगा कैपिटल एच में बिलोंग करेगा, और के डैश एलिमेंट कहां का के का है, इसका मतलब ये कहां का एलिमेंट है एच के का एलिमेंट है। इस तरीके से हमने ये दिखा दिया कि एक्स अगर एक्स और वाई हमने दो एलिमेंट लिया एच के में, और तो एक्स वाई इनवर्स भी कहां बिलोंग किया एच के में बिलोंग किया, सो एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू एच के, दिस इंप्लाइज दैट एच के इज द सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। तो इस तरीके से हमने इस रिजल्ट को प्रूव कर दिया, और इस रिजल्ट में हमने ये दिखाया कि दो सब ग्रुप का प्रोडक्ट भी सब ग्रुप तब होता है जब वो दोनों क्या करते हैं कम्यूट करते हैं, एच के इज इक्वल टू के एच, इफ एंड ओनली का कंडीशन है, मतलब सब ग्रुप होगा तो एच के इज इक्वल टू के एच, और अगर एच के इज इक्वल टू के एच है तो एच के क्या होगा सब ग्रुप। अगला फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन है कि प्रूव आर डिसप्रूव द फॉलोइंग। ठीक है इसमें पहला पार्ट ये है एवरी सब ग्रुप ऑफ ए नॉन अबेलियन ग्रुप इज नॉन अबेलियन, कोई भी नॉन अबेलियन ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप होगा ये नॉन अबेलियन होगा, इसको आपको प्रूफ करना है या डिसप्रूव करना है, मतलब आइदर ये दिस इज करेक्ट और फॉल्स। दूसरा ये है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप इज इनफाइनाइट, तो बड़े आसानी से इसके एग्जांपल्स आप स्टेट कर सकते हैं बता सकते हैं। मैं सबसे पहले सेकंड को बताता हूँ बी पार्ट का सोल्यूशन देखिए, तो देखिए मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ क्यू स्टार,
मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। क्यू स्टार समझ रहे होंगे आप, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म करता है आपको मालूम है। कैसा ग्रुप है ये? इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए मैं एक एक सेट बनाता हूं माइनस वन कॉमा वन। तो देखिए चूंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या फाइनाइट है, तो फाइनाइट एलिमेंट वाले सेट के को सब ग्रुप प्रूफ करने का मैंने तरीका ये बताया था आपको कि सिर्फ वो जो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, है ना, जो ग्रुप का ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग माइनस वन इंटू वन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन आएगा। और माइनस वन कहाँ बिलोंग करता है, क्यू स्टार में बिलोंग करता है। चूंकि ये फाइनाइट सेट है इसलिए ये इसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अब देखिए इनफाइनाइट तो दिस इंप्लाइज दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ व्हाट, क्यू स्टार इंटू मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सब ग्रुप है, बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं, मैंने प्रूव करके बता दिया आपको। रिजल्ट मैंने लिखवाया था, आपको याद कर लीजिए कि अगर फाइनाइट सबसेट है, फाइनाइट सबसेट है, जी का फाइनाइट सबसेट लें और उसमें जो एलिमेंट्स है ना वो ग्रुप के ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अगर क्लोज हो तो उसको हम सब ग्रुप बोल देते हैं, फाइनाइट ग्रुप टेस्ट बोलते हैं, फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये इसका सब ग्रुप हो गया। आप देखिए ये कैसा है, इनफाइनाइट ग्रुप है, लेकिन इसका जो सब ग्रुप हुआ वो कैसा है, फाइनाइट है। तो दिस इज देयरफॉर सेकंड इज व्हाट, फॉल्स स्टेटमेंट। Therefore, the given statement is false. Therefore, the given statement is what? False. बहुत आसानी से हमने इसको प्रूव कर दिया। आइए हम लोग पहले को प्रूव करते हैं, प्रूव या डिस्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं अगर पहला ये है कि एक ऐसा ग्रुप लेना है कि जो कैसा होना चाहिए, नॉन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो मैं GL2R लेता हूँ, GL2R। एक बार आपको याद दिला देता हूँ, जनरल लीनियर ग्रुप। इसमें क्या होती है, 2x2 की मैट्रिसेस, 2x2 की नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आती हैं और इसके एलिमेंट कहाँ से आते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से आते हैं। तो निश्चित रूप से ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होता इन जनरल। तो देयरफॉर दिस इज नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अब मैं एक सबसेट लेता हूं, लेट एच बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिसेस। लेट एच बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिसेस हूज एलिमेंट्स ऑन द सेट आर, ठीक है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, हम डायगोनल मैट्रिसेस ले रहे हैं। अब देखिए दो डायगोनल मैट्रिसेस का जो पहली बात ये हुआ कि पहली बात 1 0 0 1, एक तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास है ही जो है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। तो ये कहां बिलोंग करेगा, ये एच में बिलोंग करेगा, दिस बिलोंग्स टू एच, देयरफॉर एच इज नॉन एम्प्टी, पहली बात। दूसरी बात देखिए, दो अगर डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी करें तो वो भी जो है क्या, दो नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। दूसरी बात, ये आइडेंटिटी हो गया, इस वाले मैट्रिक्स को आप किसी भी नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करिए तो वही एलिमेंट फिर वही मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाती है। इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है और हर एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है और इनवर्स भी किस टाइप का आएगा, नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। अच्छा, तो ये इसका मतलब यह है कि क्या होगा कि ये इसका सब ग्रुप हो गया, ये इसका सब ग्रुप है कौन, ये जो हमने एच बनाया नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिसेस, ये GL2R का क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। अब अगली बात देखिए क्या है कि जो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं ना वो कम्यूट होते हैं। कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स में अगर आपको लेके दिखा दूं तो वो कम्यूट होंगे, मतलब जैसे मैं कह रहा हूं कि 1 0 0 1 या कुछ भी ले लीजिए आप, 1 0 0 2 और 1 0 0 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप और इसको पहले लिख लीजिए आप 1 0 0 3 और यहाँ पे 1 0 0 2, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। देखिए रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 कितना गया 1, इसको क्या 0 कितना हो गया 0, इसको क्या कितना हो गया 0 0 और इसको क्या कितना हो गया 0 और 2 3 कितना हो गया 6, ठीक। इसको मल्टीप्लाई किया रो बाई कॉलम तो कितना होगा 1 0 मतलब 1, इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 0 और कितना हो गया 0, इसको मल्टीप्लाई कर 0 0
और इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो कितना आ गया 6। देखिए दो तो यहाँ पे कोई भी नॉन, देखिए दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं, ये डायगोनल मैट्रिसेस हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, ठीक है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जो है जीरो नहीं है, इसलिए नॉन सिंगुलर है और डायगोनल तो आप देख ही रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो हमने ये दिखा दिया कि ये इसका सब ग्रुप है और ये तो नॉन अबेलियन ग्रुप है, लेकिन जो हमारा सब ग्रुप है ना वो कैसा है, अबेलियन है। तो ये इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि अगर नॉन अबेलियन ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप अबेलियन हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा वो कैसा होगा, नॉन अबेलियन होगा, वो अबेलियन भी हो सकता है, अबेलियन भी हो सकता है, नॉन अबेलियन भी हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए नॉन अबेलियन ग्रुप इज नॉन अबेलियन, ऐसा जरूरी नहीं है, वो अबेलियन भी हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट एन अबेलियन ग्रुप दैट कंटेन्स टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स विच आर देयर ओन इनवर्सेस मस्ट हैव ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। आज इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी, दो एलिमेंट मैंने लिया, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू ए एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू बी, मतलब वो सेल्फ इन्वर्टिबल भी है, गिवन कंडीशन है। तो अगर ए इनवर्स इज इक्वल टू ए तो आपको मालूम है सेल्फ इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए ए से, ए इनवर्स कितना होगा ई, इधर कितना जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू ई एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ई, वेयर इज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी। अब देखिए एक हम सब ग्रुप बनाते हैं एच इज इक्वल टू ई ए बी ए बी, ठीक है, देन ए बी इज नॉट इक्वल टू ई, निश्चित रूप से जो ए बी होगा वो ई के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फॉर देन ए, अगर ए एंड बी विल बी इनवर्सेज ऑफ ईच अदर, अगर मान लीजिए ए बी ई के बराबर हो गया, इसका मतलब बी ए का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा और ए बी का इनवर्स हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों सेल्फ इन्वर्टिबल है, तो इसलिए ए और बी एक दूसरे के इनवर्स नहीं है, इसका मतलब ए बी का प्रोडक्ट जो है ई के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही ऑल्सो ऑल्सो ए बी ए के बराबर नहीं होगा, ए बी जो है ना वो ए के बराबर नहीं है, ठीक है, क्यों, अगर ए बी ए के बराबर हुआ तो ए कैंसिल हुआ, कैंसिलेशन ला होल्ड करता ग्रुप में, तो बी इक्वल कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी। और कहा गया है कि ए और बी क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, प्रूव दैट एन एलिमेंट और ग्रुप जी दैट कंटेन्स टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट विच आर देयर ओन इनवर्सेस, तो बी इक्वल ई हो जाएगा, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कैसे आएगा फिर, क्योंकि अगर अगर ए ई के बराबर हो गया और बी ई के बराबर हो गया तो दोनों सेम एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ए बी के बराबर नहीं है और ए बी भी ना तो ई के बराबर है, ना तो ए के बराबर है, ना तो बी के बराबर, इसका मतलब इसमें चार डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। देयरफॉर दस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एच आर डिस्टिंक्ट, यूजिंग दैट जी इज अबेलियन द केली टेबल ऑफ एच इज व्हाट, आई केली टेबल बनाते हैं, मैंने यहाँ लिखा ई ए बी ए बी ई ए बी ए बी, देखिए ई को ई के साथ मल्टीप्लाई किया ई आएगा, ई को तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ई ए बी ए बी आएगा, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए ए को ई के साथ किया तो ए आएगा, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया मतलब ए स्क्वायर कितना आएगा ई, हमारा कंडीशन है। ए को बी के साथ किया तो ए बी, ए को ए बी के साथ किया कितना आएगा ए स्क्वायर बी, और ए स्क्वायर कितना होता है ई, ई टू बी कितना जाएगा बी आ जाएगा। इसी तरीके से बी को ए के साथ किया बी, बी के साथ बी को ए के साथ किया तो बी आएगा, लेकिन बी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, क्योंकि ग्रुप कैसा अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। और बी बी के साथ होगा बी स्क्वायर देगा, बी स्क्वायर का मतलब कितना होता है ई, ठीक है, फिर बी ए बी के साथ करेगा मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा, बी ए बी के साथ ए बी स्क्वायर देगा और बी स्क्वायर कितना होता है ई, और ए इंटू ई कितना आ जाएगा ए आ जाएगा, ए बी ई के साथ होगा ए बी देगा, ए बी ए के साथ होगा कितना देगा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर कितना होता है ई, ए इंटू बी कितना देगा बी, ए बी बी के साथ देगा ए देगा, और ए बी के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना ई, बी स्क्वायर कितना ई, ई और ई आपस में मल्टीप्लाई होगा ई देंगे, ठीक है। तो देखिए जो इसके एलिमेंट्स आए, सिंस एच इज फाइनाइट, यच क्या है फाइनाइट, फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट लगा दीजिए। फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट ये कहता है कि अगर कोई हमने सबसेट लिया ग्रुप का और अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो ग्रुप के ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में सिर्फ क्लोज हो जाए तो हम कहते हैं कि वो क्या है, सब ग्रुप है उसका। तो देखिए ये क्या है, क्लोज है, इसमें जो एलिमेंट आए बाय केली टेबल से हमने देखा, इसमें जो एलिमेंट आए ई ए बी ए बी, ये सभी कहाँ से आ रहे हैं, एच से आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, इस ऑपरेशन ग्रुप के ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या है, क्लोज है, देयरफॉर दिस इज द सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी अगर अबेलियन ग्रुप है और उस कंटेन्स टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स विच आर देयर ओन इनवर्सेस मस्ट हैव ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, हेंस प्रूव। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में यही समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइक्लिक ग्रुप्स एंड साइक्लिक सब ग्रुप्स से स्टार्ट करेंगे।
होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। कुछ आपके कमेंट्स हो, सजेशंस हो तो लिख के मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।